हाँ जी इतना जरूरी है, प्रैक्टिकल उतना ही जरूरी है जितना बड़बड़ करना जरूरी है। कलयुगी दुनिया में बड़बड़ ज्यादा होता है, बतबड़ ज्यादा होता है या सतयुगी दुनिया में बतबड़ ज्यादा होता है? है तो रिजल्ट क्या होता है? ज्यादा बतबड़ से रिजल्ट क्या होता है? नरक बनता है, स्वर्ग बनता है, है? नरक बनता है। और सतयुग में बातें बनाते ही नहीं, बातें होती ही नहीं, सारा काम इशारे से होता है, बाकी सब प्रैक्टिकल होता है। ये नई दुनिया बन जाती, यही बात बाप आपके सिखाते हैं कि अपन को आत्मा समझो और आत्मा समझ करके बाप को याद करो। प्रैक्टिकल, ये बोल बोल करने की बात नहीं है कि कोई को देखे तो याद दिलाए बाबा को याद करो। हम याद स्वरूप होंगे तो जो देखने वाले होंगे वो प्रैक्टिकल स्वरूप देख करके स्वतः ही याद में बैठ जाएंगे। तो प्रैक्टिकल ही जरूरी है। प्रैक्टिकल विष्णु का पार्ट है, ब्रह्मा का पार्ट नहीं है, शंकर का भी पार्ट नहीं है। ब्रह्मा का काम सुनने सुनाने का और शंकर का काम समझने समझाने का, लेकिन प्रैक्टिकल तो नहीं हुआ। कितने साल बीत गए? 70-71 साल हो गए। स्वर्ग बन रहा है कि और ही नरक बन रहा है? बाहर की दुनिया में भी और ब्राह्मणों की अंदर की दुनिया में भी क्या बन रहा है? नरक बन रहा है। ये रियलाइजेशन कोर्स कर रहा है, चल रहा है। हर एक आत्मा रियलाइज करे कि प्रैक्टिकल में क्या अंतर है और बतबड़ में क्या अंतर है। प्रैक्टिकल धारणा से ही नरक स्वर्ग बनता है। विष्णु का विराट रूप नहीं होता है, अभी तो बताया भक्ति मार्ग में विष्णु का विराट रूप दिखा दिया। वास्तव में विराट रूप बीज धारण करता है या विष्णु धारण करता है? बीज वृक्ष बनता है, वृक्ष का विस्तार बनता है या तना टहनियां और पत्ते बनते हैं? तो बीज है, स्वयं आकर के बताता है कि मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज हूं। संगम युग में उस विस्तार का साक्षात्कार कराते हैं। नाम ते सुते मई, सारी दुनिया मेरे में समाई हुई है, मैं सारी दुनिया में समाया हुआ नहीं है, वो पत्तों में सारी दुनिया समाई हुई नहीं है,
शिव बाबा ही सारी मनुष्य शक्ति का बीज है। विष्णु नहीं, जब विष्णु होगा तो छोटी दुनिया होगी या बड़ी दुनिया होगी? छोटी दुनिया हो जाएगी। उस दुनिया को विस्तार का रूप कहें या सार रूप कहें? है? विस्तार कहेंगे, सार नहीं है। सार को याद करने के लिए हमें बताया है। जितना जितना हम सार में टिकेंगे उतना उतना हमारे अनेक जन्मों की छोरी स्वतः ही खुलती जाएगी। बाबा घावरा नाम के दो कीड़े हैं, घावरा नाम के दो कीड़े हैं, उसमें एक गर्दन में पीतापर है और एक काला है, उनका क्या रहस्य? भ्रमर कहते हैं जो मन बनाता रहता है, भूम भूम भूम। तुम भी कीड़े हो ज्ञान के। कीड़े इसलिए कहा कि प्रैक्टिकल जीवन नहीं है देवताओं का, अभी भी कीड़ों समान जीवन है। तुम दो प्रकार के बच्चे हो, एक विजयमाला और एक रुद्रमाला। अरे वो भी शर्म आने लगी क्या? पीछे से शर्म कर रहे हैं। हाँ, वाह भैया, लव लेटर लिखा है क्या? है कि आबू रोड में लाइन लगेगी, आबू रोड से लेकर के माउंट आबू तक, तो क्या 4.5 लाख बच्चों की लाइन लगेगी? जो बच्चे बाप के संग में रहेंगे उनकी लाइन लगेगी या दुनिया के 500 करोड़ बच्चों की लाइन लगेगी? कौन जवाब देगा? दुनिया वाले 500 करोड़ हैं लाइन लगाने वाले। लाइन भक्तों की लगती है या बच्चों की लगती है या दुनिया वाले लाइन लगाते हैं मंदिर मस्जिद गिरजाघर में? दुनिया वाले लाइन लगाते हैं, सारी दुनिया वाले। अरे सारी दुनिया तो अब नास्तिक बन गई, ज्यादा से ज्यादा लोग नास्तिक बन चुके हैं, वो भक्तों की लाइन से भी दूर हो चुके हैं। भक्त तो फिर भी भगवान के नजदीक हैं, दुनिया वाले तो नास्तिक हो गए। वो दर्शन करने के इच्छुक हैं? हैं? नहीं है। जब ताबड़तोड़ विनाश होगा, सर के ऊपर डंडा बजेगा, तब जागेंगे। उस समय लाइन लगाने की भी टाइम नहीं रहेगा, तो 500 करोड़ की तो बात ही छोड़ दो। 4.5 लाख तो खुद ही लिख दिया, बाप के संग में बैठेंगे, तपस्या करेंगे, यथा राजा तथा प्रजा। तो लाइन में लगने वाले कौन हुए? हैं? भक्त लोग। बाप के बच्चे भी हैं जो वारिसदार बनते हैं, वारिसदार भी हैं और फिर बाप की प्रजा भी है।
बच्चे राजाएं बनेंगे और प्रजा राजा नहीं बनेगी, नंबर बार प्रजा की लिस्ट में आवेंगे, वो भी यथा राजा सो प्रजा, उनकी भी लाइन लगेगी और फिर तीसरे हैं भक्त, बाप के भक्त भी हैं, आत्माओं का बाप भक्त बनाता है या मनुष्यों का बाप भक्त बनाता है। इसके भक्त बनेंगे है? जो मनुष्यों का बाप है उसके भक्त होते हैं, शिव बाप के भक्त नहीं होते, शिव बाप के तो बच्चे हैं। यथा राजा तथा प्रजा की लिस्ट में आने वाले जो आत्म की स्थिति में स्थित होने वाले हैं, सिर्फ 4.5 लाख के हैं जो शरीर से प्राप्ति करते हैं, 4.5 लाख ऐसे हैं जो प्राप्ति तो पूरी करेंगे परंतु अपने शरीर रहते रहते प्राप्ति नहीं करेंगे। 4.5 लाख बीज रूप आत्म में प्रवेश करके प्राप्ति करेंगे, तो 9 लाख सितारे हैं जो सूर्य से डायरेक्ट रोशनी लेते हैं, वो बाप के संग में बैठने वाले बच्चे हैं। बाकी भक्तों की लिस्ट तो बड़ी लंबी चौड़ी है, कितने हैं भक्त है ये बताएं कितने हैं? 33 करोड़ में से 4.5 लाख निकाल दो, कितने बचे? वो सब लाइन लगाने वालों की लिस्ट में है। और 4.5 लाख रहेंगे अभी, 4.5 लाख बचेंगे ऋषिमाला और विजयमाला के आते आते रहेंगे। हाँ जी, इनमें जो 4.5 लाख आत्मा प्रवेश करने वाली रहेगी हाँ? तो वो विजयमाला में और रूपमाला मतलब जो जन्म लेने वाली जो रहेगी तो वो किस किस में प्रवेश करेगी? एक ही में प्रवेश करेगी या दोनों में प्रवेश करेगी? विजयमाला के बच्चे हों चाहे रुद्रमाला के बच्चे हों, जो इंस्पिरेटिंग पार्टी है वो तो सभी बच्चों में प्रवेश करती है। 9 लाख एक दूसरे में भी प्रवेश करते हैं, लेकिन जिनका शरीर अंत तक रहेगा उनमें प्रवेश करने की बात है। जो 4.5 लाख हैं जिनमें विजयमाला भी है और रुद्रमाला भी है, अंत में सारी की सारी विजयमाला बन जाती है, विजय प्राप्त करते हैं नंबर बार, उनमें वो 4.5 लाख जन्म लेने वाले भी प्रवेश होते हैं, वो भी पूरा ज्ञान लेंगे, अपना शरीर नहीं होगा। और हाँ जी, थोड़ा है कि हम अपने आत्मा के साथ साथ 5 तत्व के शरीर का भी बाल बांका नहीं होने देते है? 5 तत्व के शरीर का भी बाल बांका नहीं होने देते आत्मा के साथ साथ, 5 तत्व के शरीर का बाल बांका नहीं होने देते, माने जो एक एक बाल अभी तमो प्रधान बना हुआ है काले से सफेद बन गया है वो काला बनेगा या नहीं बनेगा? मेरा प्रश्न अभी पूरा नहीं हुआ। अच्छा, हम अपनी आत्मा के साथ साथ अपने 5 तत्व के शरीर का भी बाल बांका नहीं होने देते हाँ?
माना शरीर का भी उद्धार करते हैं, इसी शरीर से नई दुनिया में जाते हैं। हाँ? परंतु दूसरी जगह बोला है कि शरीर सड़ते जाएंगे, पुरानी दुनिया का कुछ नई दुनिया में जाता ही नहीं। शरीर सड़ते जाएंगे, आत्मा पावरफुल होती जाएगी। जी हाँ। तो विरोधाभास लगता है। जी हाँ, वही मेरे मतलब। लेकिन विरोधाभास लगने की बात नहीं है। बाल बांका नहीं होने देंगे का मतलब ये है कि वहां नई दुनिया में जो आत्माएं जावेंगी उनका ये सारा शरीर ही रिजुविनेट होगा। रिजुविनेशन से मतलब है उसका। हाँ जी, चाहे बाल लाल हो गए हो, चाहे सफेद हो गए, चाहे इंद्रियां काम करती हो न करती हो, लेकिन वहां जाकर के इंद्रियां सब साले हो जाएंगी। और किसी की इंद्रिय नहीं हो यहाँ पे तो कैसे हो? यहाँ पे कोई की इंद्रिय नहीं हो, जिसकी इंद्रिय नहीं होगी तो नई इंद्रिय आ जाएगी। अगर यहाँ अंधा है तो वहां सोझरा हो जाएगी। याद की बात है। और बस आज सबको शर्म आ रही है, आज सबको शर्म आ रही है, शर्म आ रही है। आप तो आगे बैठे हैं। प्रश्न आया है भक्ति मार्ग में सन्यासियों को आम फेंक करके मारते हैं, इसका क्या अर्थ है? अभी ब्राह्मणों की दुनिया में भक्ति मार्ग वाले भी हैं और ज्ञान मार्ग वाले भी हैं। कौन है? बेसिक में है भक्ति मार्ग वाले और एडवांस में है नंबर वार ज्ञान मार्ग वाले। तो जो बेसिक में भक्ति मार्ग वाले भक्त हैं वो अभी सन्यासियों का आवाहन करते हैं या नहीं? बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं तो सन्यासियों को बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं? बुलाते हैं, सन्यासियों को बुलाते हैं। और जो वास्तव में चैतन्य आम है रुद्रमाला के मण की, उन रुद्रमाला के मणकों को वो सहज सहज उनको अर्पण नहीं करते। एक होता है अर्पण करना, लो गिफ्ट ले लो, और एक होता है फेंक के मारना। वो क्या करते हैं? वो अर्पण नहीं करते, वो त्यागी हुई चीज है, वो आम को पहचानते नहीं। ये रुद्रमाला के मण के सारे ही फलों के राजा हैं, उनको वो खुद अपनी मुट्ठी में नहीं रख पाते, ग्रहण करके नहीं रख सकते, उनके जवाब भी वो नहीं दे सकते, उनका संग भी नहीं कर सकते, इसलिए उनको उनके मुंह पर मारते हैं। इनके मुंह पर? सन्यासियों के मुंह पर। सन्यासी सन्यासी में जाके मिलेंगे, ईसाई ईसाइयों में जाके मिलेंगे, बौद्ध बौद्धियों में जाके मिलेंगे। तो ये बेसिक वाले मिलेंगे, ये एडवांस वालों की बात है। पहले अभी कौन किस में मिल रहे हैं? अरे बेसिक वाले दुनियावी
बौद्धियों का भी आवाहन करते हैं, इस्लामियों का भी आवाहन करते हैं, क्रिश्चियंस का भी आवाहन करते हैं, और उनको बुला बुला करके अपनी महिमा उनको दिखाना चाहते हैं। और जिनको दुश्मन समझते हैं उनकी ग्लानी करते हैं, खुद तो जवाब नहीं दे सकते, इसलिए उनसे भिड़ाना चाहते हैं। तो दुनियावी साधु संन्यासी, चाहे वो हिंदू धर्म के हों, चाहे ईसाई धर्म के हों, चाहे मुस्लिम धर्म के हों, बौद्ध धर्म के हों, उनसे टक्कर हो जाती है। राजनेताएं और धर्म नेताओं से हमारी टक्कर होती है, टक्कर कराने के निमित्त कौन बनते हैं? बेसिक वाले या एडवांस वाले? है? बेसिक वाले निमित्त बनते हैं, क्योंकि उनके सामने वो ग्लानी उठा उठा के रखते हैं। तो जैसे उनके मुंह पर मारना हो जाता है, और वो टक्कर तो होनी ही है। ये महाभारी महाभारत ग्रह युद्ध नहीं होगा, भीष्म पितामहों से झगड़ा नहीं होगा, टक्कर नहीं होगी, तो स्वर्ग के गेट नहीं खुल सकते। स्वर्ग के गेट तभी खुलेंगे जब बड़े बड़े सन्यासी आकर के तुम्हारे ग्रुप में मिल जाएंगे। वो झुकेंगे तब स्वर्ग की स्थापना होगी, तुम विजयी हो जाएंगे। ये भक्ति मार्ग का राज उन्दा हुआ है। वो फलों के राजा आम बनने वाले हैं, उन आमों को उनके मुंह पर फेंक के मारें, न तो प्यार से स्वयं स्वीकार कर सकते हैं और न दूसरों को अर्पण कर सकते हैं, इसलिए फेंक के मुंह पे मारते हैं। सड़ने की सीमा कितनी रहेगी? जितनी भोग बलि की सीमा होगी उतनी सड़ने की सीमा होगी। जितना जितना भोग बल में डूबते जाएंगे उतना उतना शरीर सड़ते जाएंगे। जो योगी होंगे वो शरीर सरा हुआ होते हुए भी सड़े हुए शरीर से काम लेते रहेंगे और ईश्वरीय सेवा भी करते रहेंगे। जैसे कोई लुंजुम कुंजुम शरीर वाला होता है और उसमें पावरफुल स्वयं प्रवेश करती है और जबरदस्त काम करा लेती है, जैसे गुलजार दादी के शरीर में कौन सा रोग लगा हुआ है? है? आज की दुनिया का सबसे भयंकर रोग कैंसर लगा हुआ है, और वो भी शरीर के रक्त कणों में भरा हुआ है, खून की एक एक बूंद में कैंसर भरा हुआ है। ऐसे शरीर से मनुष्य आत्मा प्रवेश करके कार्य करा लेती है,
तो भगवान फिर क्या नहीं कर सकता है? मनुष्य आत्मा ज्यादा पावरफुल है या भगवान ज्यादा पावरफुल है? भगवान तो और ही पावरफुल। तो बल शरीर सड़ते जाएंगे, लेकिन हिम्मते बच्चे तो मददे बाप बनते जाएंगे। देह अभिमानी होंगे वो देह की परवाह करेंगे, हाँ मेरा शरीर बल गया। जो आत्माभिमानी होंगे वो देह की परवाह नहीं करेंगे। और जो आत्मा भी शरीर को नहीं बिना परिचय की, उनका क्या होगा बाबा? बाबा भाई परिचय नहीं मिला बाबा को, अभी टाइम नहीं पड़ा है। ये तो तुम बोल बोल के परिचय दे रहे हो। ये बोल बोल सीमित साधन है या वाइब्रेशन की शक्ति से, योग बल की शक्ति से, तो जो तुम सारे विश्व को परिवर्तन करेंगे वो सीमित शक्ति है। एक होती है वाचा की शक्ति और एक होती है मनसा का वाइब्रेशन। ज्यादा पावरफुल कौन सा है? अभी कौन सी शक्ति काम में लाई है? वाचा लाइए काम में। तो वाचा से तो सीमित लोगों को संदेश मिल रहा है। ऐसा भी टाइम आएगा जो सारी दुनिया में लहर फैल जाएगी। उधो आई ज्ञान की आंधी, लिखा है कि जैसे एक पद गिरेगा तो सारे विश्व की शुद्धि निकल जाएगी। लिखा है जैसे एक पद गिरेगा तो सारे विश्व की शुद्धि निकालने लग जाएगी। ऐसा एक बम्ब गिरेगा, ऐसा एक बम्ब गिरेगा, बड़े से बड़ा बम्ब कौन सा है? है परमात्म प्रत्यक्षता बम्ब। वो बम्ब अभी गिराया है कि नहीं गिराया है? है कि बम्बियां गिराई है? है बम्बियां गिराई है। अभी सारी दुनिया में जो बड़े से बड़े बम्ब का विस्फोट होने वाला है वो बम्ब परमात्म प्रत्यक्षता बम्ब है। वो विस्फोट नहीं हुआ है, जब उसका विस्फोट होगा तो सबसे बड़े से बड़ा परिवर्तन हो आएगा ब्राह्मणों की दुनिया में। कोई जौहरी बैठा है कि नहीं है? अरे हीरों का व्यापारी कोई बैठा है कि नहीं? छोटा मोटा एक है, बड़ा वाला छोटा वाला नहीं, हद में है, कोई नहीं है। अरे हद के हीरों का धंधा करने वाले के नजदीक बैठने वाला है कोई? है वो भी नहीं है। अरे प्रश्न आया है कि हीरे को चाटने से मनुष्य मर जाते हैं, तो हीरा तो अच्छी चीज है, फिर उसको चाटने से मर क्यों जाते हैं? है चाटने से नहीं मरते, खाने से मरते। चाटने से नहीं मरते, खाने से मरते। हाँ हाँ, हीरा तो इतना कड़क होता है,
चबाया तो नहीं जा सकता, चबाया नहीं निकला जाता, आटे काट देता है अंदर। तो हीरा को याद करने से ज्यादा फायदा है, याद करेंगे तो रोशनी ज्यादा आएगी दिमाग में, बुद्धि में, आत्मा में, या खाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा। ये याद करने की बात है, चाटने की बात नहीं है। हाँ, जो बेहद का हीरा है, हीरो पार्टधारी है, उसमें से अगर ज्योति बिंदु शिव को निकाल देंगे, जो हीरा नहीं बनता है, हीरो पार्टधारी नहीं बनता है। जैसे बाबा कहते थे, ब्रह्मा की गोद में आए हो या शिव बाबा की गोद में आए हो, तो जो कहते थे बाबा हम आपकी गोद में आए हैं, तो फिर जो कहते हम शिव बाबा की गोद में आए हैं, वो पाप। ऐसे ही यहां भी है, कुछ होते हैं मुखवंशावली ब्राह्मण और दूसरे होते हैं कुखवंशावली। कोख अर्थात देह, जो देहधारी को याद करते रहते हैं उनका नुकसान होगा या फायदा होगा? है देहधारी है प्रजापिता, और विदेही है शिव बाबा। तो विदेही को याद नहीं किया, सिर्फ देहधारी को याद करते रहे या देह का देह से संग करते रहे, चाटते रहे, तो नुकसान होगा या फायदा होगा? नुकसान होगा। तो यही अर्थ है कि हीरे को चाटना नहीं है, हीरे को जो हीरा बनाने वाला है उस हीरे में बनाने वाले को याद करना है, माने साकार में निराकार को याद करना है। और लंबा प्रश्न होगा उतना बाद में जवाब मिलेगा। हर आत्मा में 84 जन्मों का पाठ बुला हुआ है। नहीं, गलत बोलते हो। हर आत्मा में 84 जन्मों का पाठ हो सकता है? नहीं, तुम तो बड़े पढ़ाइया महुए वाले, मुल्ली में लिखा है, मुल्ला जी में नहीं लिखा है। अगली बार मुल्ली लेके आना जिसमें लिखा है हर आत्मा में 84 जन्म का पाठ लुदा हुआ है। अरे कितनी आत्माएं हैं जिसमें 84 जन्म होते हैं? 9 लाख। ये कह रहे हैं हर आत्मा में लुदा हुआ है। रोज साफ करते हो? करते हो कहां? पीतमपुर में है? कौन है टीचर? ये रोज क्लास करते हैं? कितने साल से है? साल बढ़ते बट्टी की है, है? साल बढ़ते बट्टी की है, साल बढ़ते बट्टी की, साल भर से रोज मुरली सुनते और इनको अभी तक यही नहीं मालूम। मालूम इसलिए पूछा रहा तो लिखा हुआ तो है। और भगवान के ऊपर ही दोष। मुरली में लिखा हुआ है। कौन सी मुरली? माउंट आबू की छपी हुई मुरली में?
लिखा हुआ है कि आत्मा 84 जन्म लेती है, है? संभव है? अरे वो मुरली लाओ जिसमें लिखा आत्मा 84 जन्म लेती है, है? या तो अर्थ ये हो सकता है कि वास्तव में जो आत्मा है वे अभिमानी नहीं है, एक जन्म के लिए भी देह अभिमान नहीं आता, पक्के पक्के आत्मा अभिमानी बन जाते हैं ईश्वरीय ज्ञान लेकर के अभ्यास करने के बाद। ऐसी आत्माओं की संख्या 9,00,000 है जो पूरे 84 जन्म लेती है, बाकी जो 83 जन्म लेते हैं या कम जन्म लेते हैं उनमें उतना ही ज्यादा देहभान भर जाता है या भरा हुआ होता है, इसलिए उनको आत्मा कह नहीं सकते। पक्का पक्का पक्की पक्की आत्मा रूपी बच्चे वो ही हैं जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, इस अर्थ में कहा जा सकता है। यूपी से भी ज्ञान गंगा निकली और काशी नगर में भी ज्ञान गंगा है, इसका अर्थ क्या है? ज्ञान गंगा काशी से निकलती है या यूपी के किसी और स्थान से निकलती है? निकली कहां से निकलती है? काशी से निकलती है, है? कानपुर से निकलती है, इलाहाबाद से निकलती है, अभी से भक्ति मार्ग में यादगार क्या बना हुआ है, है? गौमुख से निकलती है, लोग गंगोत्री की यात्रा करने जाते हैं क्योंकि गंगोत्री तक सड़क बनी हुई है, इसलिए आराम से चले जाते हैं। गंगोत्री के बाद ये नहीं कहेंगे कि गंगोत्री से ही गंगा निकली, नहीं, गंगोत्री से भी पहले कोई और स्थान है जहां से गंगा निकलती है, ये प्रसिद्धि है गौमुख। परंतु गौमुख से पहले कहां से गंगा निकली ये कोई नहीं जानता, ये तो भगवान बाप ही आकर के बताते हैं कि ज्ञान गंगा कहां से आती है। भगवान बाप से आती है, भगवान बाप परम धाम से आता है, परंतु ये बात दुनिया में कोई नहीं जानता। ऐसे ही भक्ति में भी ये कोई नहीं जानता कि गौमुख से पहले गंगा कहां से आती है। गौमुख पत्थर का बनाया हुआ है, चैतन्य की यादगार भक्ति मार्ग में जड़ बनती है, तो कोई चैतन्य आत्मा है गौमुख के रूप में पाठ बजाने वाली, जिससे ज्ञान गंगा निकलती है, ज्ञान गंगा की उत्पत्ति होती है, वो गौमुख से 33 करोड़ देवताएं दिखाई हुई है,
उसे जगदम्बा नाम दिया गया है। पत्थर इसलिए कहा गया कि मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना, वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाती पूरा। जो मुरली में बोला है कि मेरे बच्चे, मेरे को जानने वाले बच्चे भी, बाप के बच्चे भी बाप को भूल जाते हैं, बाप को छोड़ देते हैं, पहचान नहीं पाते, इसलिए पत्थर बुद्धि बताया। ब्रह्मा से पहले पहले पुत्री का जन्म हुआ, उसका नाम रखते हैं जगदम्बा। जगदम्बा रचना है बाप की। बाद में नीचे उतर के नाम पड़ता है गंगोत्री, गंगा उतरी। उतरते उतरते कहाँ पहुंची? ऋषिकेश से होते हुए हरिद्वार, और हरिद्वार के बाद जिस शहर में जाकर पहले पहले गंदी हुई, कचरा पड़ा, वो है फरक्काबाद। बाद में बड़ा शहर आता है जहां बहुत गंद गिरती है, वो है कानपुर। बाद में फिर इलाहाबाद, वाराणसी, पटना आदि आदि। अव्यक्त वाणी में बोला है प्रश्न के स्वर में, गंगा कहां से निकली? इलाहाबाद से निकली या कानपुर से निकली? एक इशारा दे दिया कि जो ज्ञान गंगा है वो एडवांस में जब प्रत्यक्ष होती है तो कानपुर से उसे एडवांस का ज्ञान पहले पहले मिलता है। ज्ञान मिलना अलग बात है, अपने स्वरूप का ज्ञान होना अलग बात है, अपने स्वरूप के ऊपर निश्चय होना अलग बात है, लेकिन संसार में प्रत्यक्ष होना ज्ञान गंगा के रूप में, ज्ञान तलवार के रूप में, ये अलग बात है। वही गंगा पतित होते होते गिरते गिरते जब वरुणा नदी से आकर मिलती है, जिस स्थान का नाम काशी नगरी पड़ता है, तो तलवार का रूप धारण कर लेती है। जहां 84 ज्ञान के घाट बने हुए हैं, प्रत्यक्ष होना ही निकलना कहा जाता है। जैसे बच्चे का जन्म होता है तो ऐसे नहीं कि बच्चा पहले था नहीं, था तो गुप्त था, जानकारी में नहीं था। जब प्रत्यक्ष होता है तो सबकी जानकारी में हो जाता है। तो ऐसे ही गंगा के रूप में पार्ट बजाने वाली, शंकर के सर पर दिखाने वाली जो कन्या का रूप है, उसे अभी कोई नहीं जानता, लेकिन जब वो काशी नगरी में जाकर टकराती है, मिलती है, तो संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाती है। कौन सा संसार, कौन सी दुनिया? बाहर की दुनिया है या ब्राह्मणों की दुनिया? ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष हो जाए। और बाबा देवी जो है
देवी दर्शन के बाद भैरव के दर्शन जरूरी किस बताए? दर्शन माने इन आँखों से देखना नहीं है, वो तो भक्ति मार्ग में होता है कि देवी के जड़ चित्र का, जड़ मूर्ति का दर्शन कर लेते हैं, समझते हैं हमने दर्शन कर लिया। दर्शन करना माने जानकारी, बायोग्राफी की जानकारी, जीवन कहानी की जानकारी, लेकिन वो जानकारी तब तक पूरी नहीं होती जब तक उस देवी की रक्षा करने वाला जो भैरव दिखाया गया है, भयंकर रूप, भगवान का विराट रूप, उसको जब तक न पहचाने, वो भी पहचानना जरूरी है। कलयुग में रामकृष्ण की आत्मा ही वीरभद्र और काल भैरव बनती है। एक आगे आगे दिखाते हैं, एक पीछे पीछे दिखाते हैं। वो कालभद्री ही भैरव का रूप है, इतना भयंकर है कि सारी दुनिया के विनाश का निमित्त बनता है। पूछा है बाबा एडवांस में भी कीचक पार्टधारी होते हैं क्या? होते हैं या नहीं होते? होते हैं। बाबा ने परिभाषा बताई है, जो ब्रह्मा कुमारियों के पीछे पड़े रहते हैं उनको कहा जाता है कीचक। कीचक माने गंदे डर्टी फ्रूट्स, जो अपनी सेवा नहीं करते हैं, ईश्वरीय सेवा के बहाने ब्रह्मा कुमारियों के पीछे ज्यादा पड़ते हैं, उनको कहा जाता है कीचक।